हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमर शेख में आपका स्वागत है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 मैथमेटिक्स, और ये क्वेश्चन 4 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में और का व्युत्क्रमांक, और अब 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमांक का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व। पहले हम माना कि रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु हमारा एक्स वर्ष हो जाएगा। और प्रश्न से हम क्या बोल रहा है, तीन वर्ष पूर्व जितना आयु है वर्तमान में, उससे 3 वर्ष पूर्व उसका व्युत्क्रमांक, मतलब 3 वर्ष पूर्व x-3 हो जाएगा, और उसका कहता है उल्टा, वर्तमान मतलब उल्टा, तो x-3 होगा ना, तो उसका 1/x-3 हो जाएगा। अब क्या बोलता है, अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात, तो +1/x/ इसका ही व्युत्क्रमांक बोल रहा है, तो x+5 हो जाएगा बराबर 1/3, क्या होता है, दोनों का योग, व्युत्क्रमानों का योग 1/3 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो और ये देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर तो x-3 × x+5, इसका ये हो जाएगा, इधर से गुना होगा तो ये x+5 इधर हो जाएगा, और +x-3 ये हो गया बराबर 1/3। अब इसमें हम देख रहे हैं कि और एक्स और एक्स, तो +2x हो जाएगा, और इसमें 5 में एक्स आएगा तो -+2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बटा x-3 और × x+5 बराबर 1/3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और ये उधर से हो जाएगा हमारा 3 × 2x+2 बराबर x-3 × x+5 ये हो जाएगा। अब इसमें हमारा ये हो जाएगा हमारा और 6x+6 बराबर, इसमें हम क्या करते हैं x × x+5 और x3 × x+5 ये हो गया, और 6x है तो ये 6x+6 बराबर x²+5x और -3x इससे होगा -15 ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, और नहीं पहले x 6x-6 बराबर x², इसमें 2 हो जाएगा तो +2x हो जाएगा, अब -15। अब इस पार्ट को इधर ले आते हैं तो x²+2x-15 और इस पार्ट को इधर ले आते हैं तो बराबर 6x+6 ये इधर हो गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो और x²+2x-15 अब -6x-6 बराबर 0 ये हो गया। अब और x² तो हो जाएगा, और 6x में 2x जाएगा तो -4x हो जाएगा, और 6x में ये जुड़ जाएगा तो -21 हो जाएगा बराबर 0 ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं a बराबर हमारा क्या होगा, x² का गुणांक 1, b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा -21, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, तो चूँकि d बराबर होता है b² - 4ac, बी है -4 का स्क्वायर और -4 × 1, ठीक है, -4 × 1 × -21। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 16 -4 का, और इधर हो जाएगा -+ आई 21 × 64 हो जाएगा, और 64 और ये मिलके हो जाएगा हमारा हो जाएगा 80, ठीक है, 64 21 × 84 होता है, ठीक है, 84 हो जाएगा, 84 और 16 मिलके हो जाएगा हमारा 100, ये 100 हो जाएगा जो 0 से, ठीक है, 100 निकला। अब इसलिए d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 100 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे, और मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। अब
एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी, और रूट डी हो गया बटा टू ए बराबर, ये बी है, बी हमारा निकला था माइनस फोर निकला था, तो ये हो जाएगा हमारा फोर, माइनस फोर इंटू माइनस फोर हो गया, अब प्लस माइनस रूट डी हो गया हमारा हंड्रेड, अब बटा टू ए हमारा वन निकला था, ये हो गया। अब यह ये माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा प्लस माइनस, आज सौ का वर्गमूल दस, और ये हो जाएगा दो। अब क्या करते हैं, एक बार हम या अब देखते हैं हम एक्स बराबर हमारा ये हो जाएगा, ये तो हमारा ये हो जाएगा एक्स बराबर ये हो जाएगा, हम एक बार प्लस लेते हैं तो फोर प्लस टेन बाई टू बराबर ये हो जाएगा चौदह बटा टू, ये हो जाएगा हमारा सात, ठीक है, ये कट के सात हो जाएगा। और या तो एक्स बराबर माइनस लेते हैं तो एक्स बराबर फोर माइनस टेन बटा दो, ये हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यह छः माइनस छः बटा दो हो जाएगा, तो ये कट के माइनस थ्री माइनस थ्री, और देख रहे हैं कि जो माइनस थ्री हो गया जो अमान्य हो है, जो अमान्य है क्योंकि दूरी आयु ये सब कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, ये हर वक्त हमारा धनात्मक में ही होता है इसका मान, तो ये हमारा माइनस थ्री निकला तो ये हमारा नहीं होगा। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष हमारा क्या निकला यहाँ पे सेवन हो जाएगा, तो सेवन वर्ष, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।